रात को माँ के साथ सोई, सुबह आँख खुली तो मिला शव। पहले किया 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, फिर गुप्तम में लकड़ी ठूस कर दी हत्या। जी हाँ, उकलाना में एक ऐसी घटना घटी है जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो गई है और केंद्र सरकार के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को झूठा साबित कर दिया। दरअसल उकलाना में एक उस गरीब परिवार की बेटी को रात में उठा लिया गया जो कबाड़ चुनकर अपना जीवन यापन कर रहा था और उस 5 साल की बेटी के साथ अज्ञात ने दुष्कर्म किया और मानवता को शर्मसार करते हुए उसके गुप्तांग में लकड़ी तक ठूस डाली। भेड़िए हथियारे ने बेटी को नोच नोच कर मार डाला। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उकलाना से अमित वर्मा जुड़े हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कब और कैसे घटी ये घटना? परिजनों के अनुसार रात को 9 बजे परिवार वाले बच्ची के साथ सोए हुए थे और रात को घर वालों को पता नहीं चला कि लड़कियों किस टाइम ले गए और ऐसी सुनसान जगह पर ले जाकर लड़की के साथ घिनौना अत्याचार कर दिया गया, निर्भय से भी ज्यादा अत्याचार कर दिया गया। और परिजनों वालों को सुबह जानकारी मिली कि घर बच्ची सोई हुई थी और अभी हल्क्यार पलंग पे नहीं है, तो आस पास के लोगों को घटना पता चलता है कि लड़की एक सुनसान गली के अंदर पड़ी हुई है और ऐसा घिनौना अत्याचार कर दिया गया है जिसकी देखना तो दूर की बात है। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है। ऐसे में हत्यारे की बात करें तो हत्यारे का अभी तक कुछ पता चला? पुलिस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? आखिर कौन था वो हत्यारा? मौके पे इस आरपीएसपी सारिमा मनीषा चौधरी और डीएसपी बरवा जयपाल सिंह बरवाला से मौके पे पहुंचे हैं और अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लग पाया गया है। और मनीषा चौधरी मीडिया वाले से बिना बात करे ही चली गई और मीडिया वाले से 1 मिनट भी बात नहीं की और मीडिया और आगे की पुलिस कह रही है कि आगे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक मामले कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी नई अपडेट के अनुसार मार्केट बंद होने लगी है और टोटल हमारे पूर्व विधायक नरेश एमएलए के साथ मिलकर मार्केट बंद करवाने का आह्वान कर रहा है और अभी भी सोचती है कि रोड का चंडीगढ़ रोड भी जाम किया जाएगा। बिल्कुल रोड जाम किया जा रहा है लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ पर सवाल निशान उठता हुआ भी नजर आ रहा है क्योंकि राजनीति इस पूरे मामले में देखने को जरूर मिल रही है अमित, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक नरेश सेलवाल ने ये भी कहा है कि जो उकलाना में 5 साल की बच्ची के साथ हुआ वो दिल्ली की निर्भया से भी दर्दनाक है। ये बात वो खुद भी मान रहे हैं लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है ये उनकी तरफ से कहा गया। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे, लेकिन जहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा दिया जाता है वो कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमित, अभी तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और अभी तक लोगों से जांच पड़ताल की जा रही है और अभी भी लोगों में इतना गुस्सा है कि काम जा रही रोड अभी भी मार्केट लगभग 50% मार्केट बंद हो चुकी है और जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी जब तक रोड जाम रहेगा इस चंडीगढ़ सफा रोड भी। बिल्कुल अमित, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, आपने परिजनों से बात की, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? उसकी मम्मी गीता देवी से हमारी बात हुई, उसकी मम्मी ने ये कहा कि इसका पिताजी कल दोपहर को गुड़गांव के लिए चला गया था तुआना से और हम अकेले ही घर पे थे और किसी को सबको पता था कि इसका पिताजी बाहर चले गए हैं और रात को हम 9 बजे उठे। उसकी मम्मी ने कहा कि 9 बजे हम सोए थे और सुबह हमने पता नहीं चला कि ऐसा लड़की मिली नहीं सुबह और एक सुनसान जगह पे पड़ी हुई मिली है, किसी पड़ोसी ने सूचना दी है। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बता दें कि रात 9 बजे तक वो परिवार जागता रहा और रात में कोई अज्ञात उनकी 5 साल की छोटी बेटी को अपहरण करके ले जाता है और उसके बाद
उनकी बेटी को उकलाना के टेलीफोन एक्सचेंज के पास ले गया, जहां पर उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म से पेट तक नहीं भरा तो गुप्तम में लकड़ी तक ठूस डाली। इतनी बेरहमी से इस भेड़िए ने हत्या कर दी और ऐसे में इस बेरहमी से उसकी बेटी की मौत भी हो गई है। और सुबह जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी घर पर नहीं है और उन्होंने उसे ढूंढा तो उनकी बेटी का शव टेलीफोन एक्सचेंज के पास लहूलुहान अवस्था में मिला, जिसे पूरी तरीके से नोचा हुआ था और पूरे शरीर पर जख्म के निशान भी मिले थे। अमित, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक उस हत्यारे को गिरफ्तार करता है, क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, तो ऐसे में क्या इस तरीके से बेटियां बच पाएंगी, ये बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। और देखने वाली बात यहां पर ये रहेगी कब तक उस हत्यारे को गिरफ्तार किया जाता है। रात को माँ के साथ सोई, सुबह आँख खुली तो मिला शव। पहले किया 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, फिर गुप्तम में लकड़ी ठूस कर दी हत्या। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।